सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए डेट शीट जारी कर दी। डेट शीट के मुताबिक 10वीं और 12वीं के एग्जाम 15 फरवरी 2020 से शुरू होंगे और दोनों का पहला पेपर वोकेशनल सब्जेक्ट्स का होगा। दसवीं और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम के लिए मंगलवार को सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी। cbse.nic.in पर सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की डेट शीट जारी की है। सीबीएसई की तरफ से जारी डेट शीट के मुताबिक दसवीं और बारहवीं के एग्जाम 15 फरवरी 2020 से शुरू होंगे और दोनों का पहला पेपर वोकेशनल सब्जेक्ट्स का है। वहीं दसवीं का मेन सब्जेक्ट का पहला एग्जाम 26 फरवरी और बारहवीं का मेन सब्जेक्ट का पहला एग्जाम 27 फरवरी को होगा। दसवीं के एग्जाम जहां 20 मार्च तक चलेंगे, वहीं बारहवीं के एग्जाम 30 मार्च 2020 को खत्म होंगे। एग्जाम पहले की तरह ही 3 घंटे का होगा। आंसर शीट सुबह 10 बजे दी जाएगी और 10:15 पर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। सीबीएसई के मुताबिक दसवीं और बारहवीं बोर्ड के रिजल्ट मई के पहले हफ्ते तक जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।